को मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आइए, आप सीखिए और अपने पैरों पे खड़ी हो जाइए। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे यदि हर बच्चा यदि कौशल होता है, कुशल होता है, तभी जो हमारा मोदी जी का, यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सब भारत के सभी नागरिक जो है कौशल बने, तभी कुशल बनेंगे और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जन शिक्षण संस्थान के अंदर 90% कोर्स ऐसे हैं जिसके अंदर ज़्यादातर महिलाओं को कवरेज दिया जाता है। यहाँ से जो बच्चे सीख रहे हैं वो मधुबनी जिला के जन जन में वो पहुँचे और अपना प्रचलन इस तरह लहराएं कि जिस रोड में हम निकले या अगर उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ से सीखे थे तो जन शिक्षण संस्थान का नाम ले तो सब गौरवान्वित तो होंगे। सर, मेरा नाम संजीव कुमार झा है और मैं जन शिक्षण संस्थान में प्रोग्राम असिस्टेंट का काम करता हूँ। आते ना क्या, सबसे पहला बात की अगर मैं अच्छे सिखाती हूँ ना तो दूर से भी यहाँ पे आती है, मैं अच्छे सिखाऊंगी तो कहीं से भी आ सकती है, वहाँ पे अच्छा सिखाने को मिलेगा वहीं जाएंगे ना। तो मैं तो खुद नहीं, ये तो स्टूडेंट सभी बता सकते हैं मैं अच्छे सिखाती या नहीं सिखाती, शायद अच्छे से सिखाती तभी तो इतना स्टूडेंट यहाँ पे आ पा रहे हैं। अभी भी जैसे इतने स्टूडेंट है और बहुत एडमिशन करके मतलब रखा हुआ बहुत, अब इस टाइप का बहुत सारे प्लाजो भी अपना सकते हैं आप, बना लेंगे आप, और भी बहुत सारी चीजें सीखा है आपने जी। तो यहाँ से सीखने के बाद क्या करना है आपको, खुद का बॉडी चलाना है, नहीं ठीक है बैठो। इन्होंने खुद अपना प्लाजो बनाई है और ये बना करके और ये खुद स्वरोजगार ले रही है, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे भी तो बढ़ाओ, और इस दिशा में जन शिक्षा संस्थान मधुबनी का। वैष्णवी कुमारी, आपका शिवरन कुमारी, कब से सीखे हैं कंप्यूटर यहाँ? एक महीने से। क्या क्या सीखे हैं अभी तक? एमएस एक्सेल चल रहा है अभी, एमएस वर्ड भी सीखे हैं आप लोग, हाँ? तो एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या काम होता है, क्या बताए हैं सर? तो उसमें हम सब वीडियो बनाना हम सब उसे सिखाए हैं, सिलेबस कैसे बना सकते हैं वो बताए हैं, प्रोजेक्ट सब हम सबको देते हैं। जन शिक्षण संस्थान मतलब स्वराज की तरफ, रोजगार की तरफ एक कदम आगे। जो जन शिक्षण संस्थान मधुबनी है, हमने आपको कंप्यूटर लैब दिखाया, हमने आपको सिलाई कढ़ाई कढ़ाई दिखाया है, अब हम वहाँ आते हैं जहाँ पर आज के डेट में ब्यूटीशियन, जितने भी हमारे जो भी गर्ल्स हैं जो भी महिलाएं हैं वो ब्यूटीशियन पर तो ज़्यादा ध्यान देते हैं, पार्लर का काम, पार्लर का काम सीखना, पार्लर में कैसे काम करते हैं, कैसे होता है, ये आप देख पा रहे हैं। ये सारे बच्चे हैं जो यहाँ ब्यूटीशियन आपको कोर्स कर रहे हैं और यहाँ टीचर्स हैं, अवेलेबल हैं, सभी लोग सिखा रहे हैं, तो हम आपको नज़दीक से दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि हम ये जानकारी दे ही रहे हैं इसीलिए, क्योंकि जो भी हमारी महिलाएं हैं हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जिस ब्लॉक में ये चल रहा है जन शिक्षण संस्थान का ये सेंटर, वहाँ जा करके आप पार्लर का भी काम सीख सकते हैं। पार्लर के काम में कोई एक ही काम नहीं है, उसमें बहुत सारे काम है, ऐसे ऐसे काम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ जो ट्रेनर है मैं उनसे बात करूंगा जी। क्या नाम हुआ आपका? पूर्णिमा कुमारी। तो पूर्णिमा जी, आप जो है इस ब्यूटीशियन में कब से यहाँ पर टीचर है, ट्रेनिंग दे रहे हैं? 6 महीने से। आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया? मैंने कुतवाली चौक आशा ब्यूटी पार्लर से ट्रेनिंग। आपने ट्रेनिंग लिया है कितने दिन पहले? एक साल पहले आपने ट्रेनिंग लिया था। और अभी तक कितने बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दे चुके हैं? अभी लगभग 120 बच्चों को। अभी ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या नाम है जी? अभी ये कैमरा से दिखाएंगे नजदीक आके, आप क्लीन अप कर रही है ये। अच्छा, इसका क्लीन अप है। आप सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, सभी लोग देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आज ही ऐसा हो रहा है, सब दिन ऐसे ही सिखाते हैं ना, सब दिन सिखाते हैं ऐसे। अच्छा, तो पूर्णिमा जी कौन कौन सा कोर्स इनको करवा रहे हैं आप? कोर्स में है इनका थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, मेहंदी, मेकअप, हेयर स्टाइल, इस सारे चीजों की ट्रेनिंग देते हैं। अब JSS संस्थान मतलब जन शिक्षण संस्थान जो मधुबनी है, उसके बीम पीलर वो कौन? वो मार्केटिंग, जो मार्केट पर जहाँ से बच्चे, जहाँ सेंटर मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, कैसे सेंटर्स का डेवलप होगा, इन सारी चीज़ों को करने वाले जो स्तंभ है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। और हमारे साथ शिवनाथ जी, तो स्वागत है शिवनाथ जी आपका नवरत्न मिथिला न्यूज में। जी नमस्कार, अच्छे से
मैं शिवानंद यादव यहाँ असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनको, जो जन शिक्षण संस्थान में मुझे समाज सेवा का मौका मिला है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे मधुबनी ज़िला को एक इंटरप्रेन्योर्स के रूप में, एक उद्यमिता के रूप में पहचान दिलाना, हम लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को इसमें मौका दिया गया है कि आप समाज सेवा कर सकते हैं। और हम लोग जी जान से इसमें लगे हुए हैं कि हमारा मधुबनी ज़िला भी इंटरप्रेन्योर्स के रूप में जाना जाए। और हमने अभी तक 8 ब्लॉक में काम किया है, तो ये हमारा रहा है कि लगभग हमारे कुछ ऐसे बच्चे हमारे यहाँ से सीख करके निकल रहे हैं कि जो भी अभी मार्केट में आप जाएंगे तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ से इंटरप्रेन्योर्स खुद का अपना सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ी यही सपना है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे यहाँ से जो बच्चे सीख रहे हैं वो मधुबनी ज़िला के जन जन में वो पहुँचे और अपना प्रचलन इस तरह लहराएँ कि जिस रोड में हम निकले या अगर उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ से सीखे थे तो जन शिक्षण संस्थान का नाम ले तो सब गौरवान्वित होंगे हम और हमारे जन शिक्षण संस्थान गौरवान्वित होंगे। और हमारा ये है कि हम पूरे बिहार में भारत लेवल पे जो है हमारा जन शिक्षण संस्थान का सबसे अव्वल स्थान हो, जिसके लिए हम लोग फील्ड में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जो जिस तरीके से टीचर्स को कोई सपोर्ट करना होगा, कॉम्पिटिटिव मोबलाइज कैसे होगा, बच्चे कैसे मोबलाइज होंगे, उसके लिए भी हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, बच्चे के साथ एक साथ बैठ करके कैंपेनिंग करते हैं, फिर टीचर्स को कन्वेंस करते हैं किस तरीके से बच्चे को मोबलाइज करना है, और बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल पे भी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं।